तो चलो हमारे पास आई टोल्ड यू कि हमारे पास यहाँ पर जो एक इंस्ट्रक्शन है आ, उस इंस्ट्रक्शन का जो टोटल साइज़ होगा दैट विल बी योर 16 बिट एक इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी ठीक है अब इस 16 बिट में हमारे पास जो फर्स्ट फोर बिट होती हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑपरेशन कोड और यू कैन सी ऑप कोड एंड द रेस्ट ट्वेल्व बिट्स जो बाद की जो ट्वेल्व बिट्स आपके पास होती हैं दीज रेस्ट ट्वेल्व बिट्स आर ओके okay. सो so, जो बात की जो ट्वेल्व बिट्स होती हैं दीज रेस्ट ट्वेल्व बिट्स आर यूज टू प्रजेंट द एड्रेस ये जो ट्वेल्व बिट्स हैं ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं तो जो आपकी फर्स्ट फोर बिट है तो मैंने क्या किया फर्स्ट बोट में पहली बिट को मैंने आई के साथ रिप्रेजेंट किया ठीक है तो मैंने बोला कि अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है ज़ीरो मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि जहाँ पर हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो एड्रेस होगा ऑपरेंड का वो एक डायरेक्ट एड्रेस होगा अगर आई की वैल्यू वन होगा तो इसका मतलब है कि ये एक इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी यानी कि एक तरीके से पॉइंटर्स टेस्ट का कॉन्सेप्ट ठीक है अब मैंने बोला कि ये जो तीन बिट्स अब यहाँ पर बची हैं इन थ्री बिट्स के आपके पास टोटल एट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस कैन बी जीरो जीरो ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन ज़ीरो वन 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 जीरो एंड वन 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 तो हमने बोला कि ये जो इन तीन बिट से कॉम्बिनेशन है ज़ीरो से लेकर सिक्स तक के ज़ीरो से लेकर सिक्स तक के अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आता है दैट मीन्स कि ये एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शन है लेकिन अगर जो कॉम्बिनेशन सेवन अगर हमारे पास यहाँ पर आता है दैट मीन्स कि ये एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हमने बोला कि रजिस्टर रेफरेंस है अब हमने बोला कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर वेरी लेस कि जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं हमारे पास वो टोटल हमारे पास सेवन मेजर तो रजिस्टर्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते, है। तो यूज करते हैं तो सेवन रजिस्टर्स का मतलब है कि वी नीड ओनली थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर एड्रेस यानी कि जो ट्वेल्व बिट्स है अगर हमने यहाँ पर बोला है कि इंस्ट्रक्शन हमारी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो रजिस्टर का एड्रेस होगा वो सिर्फ तीन बिट का होगा यानी कि ये जो हमारे पास एड्रेस वाला पार्ट है इसमें से हमारे पास बहुत सारी ऐसी बिट है जो हमारे पास हमें फ्री मिलेगी जिसको हम आगे फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन है ठीक है इस इंस्ट्रक्शन में जो पहली चार बिट है अगर ये बिट्स वन है ये तीन बिट्स वन है तो इसका मतलब है कि इन थ्री बिट्स की वजह से वी कैन से इट इज़ अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन ये आपकी एक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है ठीक है लेकिन ये वाली बिट ज़ीरो होनी चाहिए दिस बिट शुड बी जीरो एंड दिस इज़ अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन अब उसके बाद जो आपकी जो बिट्स बचती हैं ये जितनी आपके पास रेस्ट बिट्स बचेंगे आपकी जो रेस्ट ट्वेल्व बिट्स यहाँ पर बचेगी तो इन ट्वेल्व बिट्स में अगेन दीज आर द फोर बिट्स ये आपकी फोर बिट्स हैं ये आपकी फोर बिट्स हैं और ये वाली आपकी फोर बिट्स हैं तो हमने बोला कि अगर इस कॉम्बिनेशन में इस कॉम्बिनेशन में इफ़ यू आर हैविंग अ वैल्यू लाइक वन जीरो जीरो ज़ीरो तो ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एट ये वाली क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एट तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको बोलेंगे क्लियर एक्यूमलेटर एक्यूमलेटर को क्लियर करो अगर ये वाली फोर बिट्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जीरो वन डबल जीरो तो इसका मतलब है कि ये है क्लियर ई ई इज़ द फ्लैग अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है जीरो ज़ीरो वन जीरो तो यानी कि इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमलेटर यानी कि कॉम्प्यूमेटर के अंदर जो भी वैल्यूज है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो अगर यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ है वन uh, यानी कि जीरो ज़ीरो जीरो वन इसका मतलब है कि हमें करना है कॉम्प्लीमेंट ई e. फिर हमने बोला कि अगर ये पूरी बिट्स जो है अगर ये सभी वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर आपके पास वन जीरो ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो है सर्कुलेट राइट एक्यूमलेटर एंड ई ठीक है तो इंस्ट्रक्शन का नाम है हमारे पास सी आई आर उसी तरीके से हमारे पास है सी आई एल उस तरीके से हमारे पास है एस पी एस पी ए स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ एक्मलेटर इज़ पॉजिटिव तो बेसिकली ये बोलता है कि अगर एक्ूमलेटर का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है जैसे हमारे पास है जम्प इफ नॉट जीरो जे एन जेड या फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं जंप इफ ज़ीरो यानी कि जम्प इफ नॉट जीरो का मतलब है कि हमारे पास सी पी यू ने जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसने कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया और ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो भी, भी आ सकता है ऑपरेशन का रिजल्ट वन भी आ सकता है तो जिस तरीके से जंप इफ नॉन जीरो जंप इफ जीरो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमने एस पी इंस्ट्रक्शन बनाया एस पी ए मीन्स स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ एक्मलेटर इज पॉजिटिव कहने का मतलब था कि ये आपके पास ए एल यू है राइट आपने एक इंस्ट्रक्शन को बना दिया जैसे एस पी ए समथिंग आपने एक यहाँ पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया था अज्यूम uh, कि आपने एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया एंड फाइव थाउजेंड राइट right? इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया इस ऑपरेशन का रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा इस ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर होगा एक्ूमेलेटर के अंदर अब जो एक्मेटर में रिजल्ट स्टोर हुआ है अगर वो रिज़ल्ट हमारे पास वन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वन uh, जो है एक पॉजिटिव नंबर है राइट right? तो अगर एक्यूमलेटर का रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इस अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर की में जो इंस्ट्रक्शन है हमें उसको स्किप करना है उसके अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मतलब स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्मलेटर इज पॉजिटिव नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्मलेटर इज नेगेटिव इन द सेम वे स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्ूमलेटर इज़ जीरो तो बेसिकली हमने कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर आ, अपनी नेक्स्ट ऑपरेशन को सेट मतलब डिसाइड करें कि हमारा अगला ऑपरेशन कौन सा होगा ओके okay? उसी तरीके से स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ ए इज़ ज़ीरो ए इज़ द फ्लैग रजिस्टर ऐसे ही हमारे पास एच है जिसको बोलते हैं हॉल्ट कंप्यूटर तो हॉल्ट इज़ लाइक हाइबरनेशन कि अपने कंप्यूटर को इस समय पर रोक दीजिए डो नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क ठीक है एंड दीज आर योर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि आपके पास ये सभी पहली जो चार बिट है ये सभी अगर वन है तो उस केस में हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इवन दो फोर बिट से हमारे पास इन चार बिट से सिर्फ सिक्सटी इंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल है बट वट वी कैन डू इज़ वी कैन कम्बाइन अ फ्यू वैल्यूज़ फ्रॉम हियर अगर हम लोग यहाँ पर एड्रेस वाले पार्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं देन वी कैन कम्बाइन अ फ्यू बिट्स हियर फॉर अ फ्यू इंस्ट्रक्शन ताकि हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ कर सकें ठीक है इस एक बहुत पॉसिबल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है आपके पास वो क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है उसकी कुछ लेंथ दे दिया उन्होंने बोला कि तो इंस्ट्रक्शन की लेंथ जैसे 16 है ऐसा कुछ एग्जाम में बोल सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन कोड है ऑपरेशन कोड आपके पास थ्री बिट्स का है और जो आपका एड्रेस है एक इंस्ट्रक्शन का वो हमारे पास लेटर सपोज टेन बिट्स का है नाव देखे नास कि इसमें कितनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या कितनी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या कितनी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसको हम बाद में करेंगे एड्रेसिंग मोड के अंदर तो वहाँ पर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है तो एज ऑफ नाव आपको ये सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है यू डो नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई टेल यू एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं लेटर ऑन बट इन से कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फाइन नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीटनेस तो इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीटनेस का मतलब क्या है कि देखो जिस तरीके से मैंने बताया आपके पास डिजिटल लॉजिक के अंदर आपके पास बहुत सारे गेट हैं यू कैन हैव एन एंड गेट यू कैन हैव एन और गेट यू कैन हैव अ नॉट गेट यू कैन हैव अ अंड गेट डिजिटल के अंदर यू कैन हैव अ नॉर गेट यू कैन हैव एक्स और गेट यू कैन हैव एक्स नॉर गेट या फिर आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस आपके पास कुछ ऐसी फंक्शंस हो सकते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि दस अ फंक्शन विच इज़ फंक्शनली कम्प्लीट फंक्शनली कम्पलीट का मतलब क्या था डिजिटल लॉजिक के अंदर डिजिटल लॉजिक के अंदर फंक्शनली कम्प्लीट का मतलब ये था कि हम उस पर्टिकुलर गेट से या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन से हम किसी भी डिजिटल लॉजिक के बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनली कम्प्लीट अगेन आई एम रिपीटिंग डिजिटल लॉजिक में फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या था कि यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेट और यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन आई कैन इम्प्लीमेंट एनी पॉसिबल फंक्शन ऑफ डिजिटल लॉजिक देन वी कैन सी देट फंक्शन इज फंक्शनी कंप्लीट ठीक है उसी तरीके से जब मैं इंस्ट्रक्शन सेट को बोलता हूँ कि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट एक फंक्शनली कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है यानि कि हम किसी भी पॉसिबल फंक्शन को किसी भी पॉसिबल प्रोग्राम को अपने इंस्ट्रक्शन सेट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट से उसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक फिबोनाकी सीरीज़ का प्रोग्राम बनाना है तो आप फिबोनाकी सीरीज़ का जो प्रोग्राम है फिबोनाकी जो सीरीज़ का प्रोग्राम है फिबोनाकी सीरीज़ के प्रोग्राम को आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर राइट बाद में ये जो सी लैंग्वेज है वो आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस में ही कन्वर्ट होगा अब अगर ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस फंक्शनली कंप्लीट नहीं है अगर ये असेंबली इंस्ट्रक्शन फंक्शनली कंप्लीट नहीं है इसका मतलब है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर होगी इट विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉसिबल फंक्शनस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी पॉसिबल फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू असेंबली लैंग्वेज वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ प्रॉपर असेंबली कोड टू इंप्लीमेंट समीज फंशंशंस कुछ ऐसा फंक्शन हो सकते हैं जिसके लिए आप प्रॉपर असेंबली कोड शायद ना फाइंड आउट कर पाएँ तो ये कब हो सकता है यू आर इंस्ट्रक्शन सेट इज़ नॉट फंक्शनली कंप्लीट। तो बेसिकली आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को फंक्शनली कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि हम सभी फंक्शंस को uh, या सभी प्रोग्राम्स को सभी इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाएँ हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ ओके सो इट इज़ रटिंग ए कंप्यूटर शुड हैव अ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट यूजर कैन कंस्ट्रक्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स टू इवेलुएट एनी फंक्शन दैट इज़ नोन टू बी कंप्यूटेबल अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटेबल है तो कंप्यूटेबल का मतलब क्या था देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी एक मैंने आपको बताई थी डिसाइडेबिलिटी इफ़ यू रिमेंबर इट मैंने आपको एक डिसाइडेबिलिटी बताई थी और एक मैंने आपको कंप्यूटिलिटी बताई थी राइट right? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंप्यूटेबल फंक्शन को किसी भी कंप्यूटेबल फंक्शन को एनी कंप्यूटल फंक्शन सो एव जैसे हमारे पास है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर सो इट इज़ अ कंप्यूटेबल फंक्शन राइट सो इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट एनी पॉसिबल कंप्यूटेबल फंक्शन विद द इंस्ट्रक्शन सेट दैन वी कैन से द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ कम्प्लीट इट इज़ कम्प्लीटनेस ओके तो हम चाहते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो कम्प्लीट होना चाहिए अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास कुछ फंक्शनल इंस्ट्रक्शन थी तो फंक्शन इंस्ट्रक्शन में आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आता है लॉजिक आता है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन आता है जैसे एडिशन सी एम ए इंक्रीमेंटेशन सी आई आर सी आई एल एंड सी एल ए तो सभी क्या है फंक्शन इंस्ट्रक्शन से उसी के साथ हमारे पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हैं जैसे लोड इंस्ट्रक्शन या स्टोर इंस्ट्रक्शन उसी तरीके से आपके पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जैसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन बी एस ए आई एस जेड एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह तो आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जो एग्जिस्ट करनी चाहिए सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट एनी फंक्शन देन वी कैन से आवर फंक्शन इज़ कंप्लीट तो हमें जो हमारा फंक्शन है वो कम्प्लीट होगा ओके फाइन अच्छा बाय द वे मैं इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ आई कैन डिस्कस इट लॉर्ड ऑफ डेप्थ बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम कि इससे ज़्यादा मैं डिस्कस में इसको डेफ्थ में डिस्कस करूँ राइट आई विल डिस्कस अबाउट द ड्रेसिंग मूड्स लेटर ऑन तो वहाँ पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा इसको एग्जाम में डिस्कस करने की जरूरत है ओके okay?